हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस ये देखिए चावल के मोदक कितने यम्मी और कितने टेस्टी लग रहे हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। तो इतने यम्मी और इतने टेस्टी लगने के लिए क्या क्या हमने इसमें किया है तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी पूरी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक। बनाने जा रहे हैं भाप के मोदक, तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो ये हमारा एक कटोरी से थोड़ा सा कम है चावल का आटा, तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। ये देखिए गाइस, आप देख रहे होंगे कि एक कटोरी हमने चावल का आटा लिया हुआ है, तो एक कटोरी हम पानी ऐड करेंगे इसमें और उसको बॉयल करेंगे। देखिए गाइस, इसमें आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट हम ऐड करेंगे चीनी, तो अपना 2 टेबलस्पून चीनी। ये देखिए 2 स्पून चीनी जो नॉर्मल हम घर में खाते हैं खाना जिससे वही है। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा नमक सिर्फ 2 पिंच इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमारे जो मीठा होता है उसमें नमक बहुत अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर एकदम इनहैंड हो के आता है, इस वजह से हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। ये देखिए गाइस, अब इसमें 1 स्पून हम घी ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा जमा हुआ घी था, आपका अगर पिघला हुआ हो तो आप 2 स्पून कर लें। ये देखिए गाइस, आप देख रहे होंगे पानी हमारा बॉयल हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करेंगे, या पूरा ही आटा पूरा ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, आटा डालने के बाद मिक्स किया और हमने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, ढक कर रख देंगे आराम से, ठीक है। तो ये छुटाएंगे सारा और ढक देंगे, जिससे कि आटा हमारा है सेट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए गाइस, हमने इसको ढक कर रख दिया है अच्छे से, ठीक है। ये देखिए गाइस, आटा हमारा कुछ ठंडा हो चुका है, तो इस आटे को हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम मसल लेंगे अच्छे से। और अब इस कढ़ाई में हम 1 ग्लास से करीब पानी रख देंगे बॉयल होने के लिए। गाइस, अब इस डो को हम अपना मसल मसल के सॉफ्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें घी लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने घी डाल रखा था ऑलरेडी, और अभी ये गर्म है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, वरना फिर सख्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से डो लगा लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारा डो बहुत अच्छा स्मूथली हो गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम इसकी छोटे छोटे बॉल्स बनाएं, और एक चीज दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, अपने मोदक को फिलिंग करने के लिए हमने ये नारियल की छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं। अगर आपको ये बॉल्स बनाने का है तो आप इसकी जगह कुछ और भी फिलिंग कर सकते हो, बट इसको है। और अगर आपको मालूम है नारियल के लड्डू या नारियल की बर्फी बनाना, तो भी ये फिलिंग उसी विधि से बनाई है जिस हिसाब से नारियल के लड्डू और नारियल की बर्फी बनती है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने इंड स्क्रीन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा नया लुक देने के लिए ये हमने कुछ चावल भिगो दिए थे अपने, ठीक है, लगभग 1 घंटे पर करीब भिग के अच्छे से हो गए हैं। तो चलिए इनको पानी निकालते हैं और लेते हैं चावल। ये देखिए गाइस, हमने चावलों को ऐसे फैला दिया जैसे कि हल्का हल्का पानी सूख जाए, और ये नॉर्मली घर में खाए जाने वाले चावल हैं। तो चलिए अब इसकी हम छोटी सी एक बॉल लेते हैं, जितना बड़ा मोदक हमें बनाना है, ठीक है। और आप चाहे तो हाथ पर घी लगा लें थोड़ा सा, और ऐसे करते हुए हमें इसे फैलाना है, ठीक है, थोड़ा सा। और फैलाने के बाद में एक स्टफिंग की बॉल्स जो है वो इसमें रखनी है, और हल्का हल्के हाथों से ऐसे हमें फोल्ड कर देना है। ये देखिए फोल्ड हो गया अच्छे से, और इसको हम अच्छे से गोल कर लेंगे, और फिर इसको हम अच्छे से जैसे मोदक का शेप होता है उस तरह से देंगे। इस तरह से देख लीजिए आपकी कहीं से बॉल से दिख तो नहीं रहा है कोई चीज, ठीक है। और अब हम हल्के हाथों से ऐसे ब्रश करते हुए जैसे मोदक का शेप देते हैं, बस उसी तरह से हम बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये देखिए बन गया मोदक हमारा अच्छे से, ठीक है। और चावलों का क्या करना है ये हम आपको बाद में दिखाएंगे, तो ऐसे ही हम बना बना के रख लेते हैं सारे, फिर मिलते हैं आगे। ये देखिए गाइस, हमारे सारे मोदक बन चुके हैं, ये 2 बॉल्स हमने गोल भी बना दी है। तो देखिए इस तरह के एक छन्नी ले लेंगे और इसको ग्रीस करेंगे। ये देखिए गाइस, इस पर घी हमने लगा दिया है, तो इसको अपनी स्ट्रेनर रखेंगे। और देखिए इनका अभी हमें करना क्या है, इसको तो हम एक साइड में रख देंगे, और ये अपने बॉल्स मोदक लेंगे,
और इसके इन चावलों पर ऐसे हम रोल करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और देखिए कितने अच्छे से यम्मी चावल के बनेंगे मोदक, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, कर दिया है। बहुत थोड़े से चावल चिपकेंगे और अपनी छन्नी में हमको ऐसे ऐसे रख देने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम करते सारे, ये देखिए गाइस चावल के मोदक हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए इनको स्टीम करते हैं। तो उसके लिए हमने लिया हुआ है एक ऐसा ये कढ़ाई, ठीक है, कढ़ाई ली हुई है। इसको फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं, पहले ही पानी रख दिया था एक ग्लास, और अब हम इसको इस तरह से स्टीमर में ये रखेंगे। आपके पास अगर स्टीमर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और अब इसको हम ढक देंगे, इसको बाकायदा 12 से 15 मिनट इसको हम बॉयल करेंगे, ठीक है, इसी तरह से फुल फ्लेम पर, जिससे कि इसमें अच्छे से भाप क्रिएट हो सके। तो 15 से 20 मिनट बाद मिलते हैं। देखिए आप लोग बोल रहे सोच रहे होंगे कि ये चावल कैसे इसमें जो ऊपर चिपकाए हुए हैं वो कैसे बनेंगे, तो आप देखिए मैजिक बिल्कुल, तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए 12 से 15 मिनट बाद मिलते हैं। देखिए गाइस फ्लेम बंद हो गई है और ये देखिए कितना यम्मी बन के तैयार हुए। लेकिन अभी बहुत गर्म है तो उसको अभी नहीं निकालेंगे वरना ये टूट जाएंगे, तो उनको ठंडा करेंगे फिर मिलेंगे। इस तरह से रख देंगे ढक कर और ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में फिर आके मिलते हैं आपसे। देखिए गाइस ठंडे हो चुके हैं तो अब इनको हम निकालेंगे। देख सकते हैं कितना यम्मी निकला है ये चावल। देखिए राइस सारे के सारे पक कर आए हैं अच्छे से। अगर यकीन ना हो तो आप ऐसे ही तोड़ लें और एक दाना तोड़कर देख लें, ठीक है, क्योंकि हमने इसको भिगो दिया था ना, तो भिगोने पर जल्दी पक जाते हैं अच्छे से। तो चलिए ऐसे निकालते हैं सारे चावलों को। और गाइस ये देखिए गोल वाला कितना अच्छा बॉल्स लग रहा है, इसी तरह से हम नाश्ते भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए ये बन गया है और अब हम कट करके भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस हम इसको कट करके दिखा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं कट करने में है। ये देखिए इसके अंदर की फिलिंग्स कितनी प्यारी और कितनी यम्मी आई हुई है। तो आप देख सकते हैं हमारे आज की रेसिपी। ये देखिए गाइस हमारे चावल के मोदक कितने यम्मी और कितने टेस्टी लग रहे हैं, और इसके अंदर की फिलिंग्स देखिए कितना अच्छा कलरफुल आया हुआ है आई हुई है। तो आज की हमारी ये रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।